आज हम इस प्रकार का एक सुंदर सा डोरमेट बनाएंगे, अंडाकार साइज का डोरमेट बनाएंगे, बहुत ही सुंदर डोरमेट बना के सिखाएंगे आपको बनाना। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। आज हम एक ही कलर की पट्टिया द्वारा एक अंडाकार साइज का डोरमेट बनाना सिखाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। इस प्रकार से एक पट्टी को डबल कर लेते हैं इस प्रकार से, और दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं, और सेफ्टी पिन की सहायता से इस पट्टी पर, सपोर्ट वाली पट्टी पर नोट लगाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए यहाँ तक नोट लगा देंगे। जितना बड़ा डोरमेट आप बनाना चाहते हैं उसके अनुसार लंबाई ले सकते हैं। मैं यहाँ तक नोट यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक नोट लगा चुके हैं। अब यहाँ इस प्रकार से टर्न करते हैं, सपोर्ट वाली पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे, अब आगे इस फंदों में जो जाली सी बनी होती है, इस फंदों में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में एक फंदा निकालते हुए यहाँ तक लाइन पूरी कर लेते हैं। यहाँ तक डोरमेट बनाते हुए आ चुके हैं। अब हमारी पट्टी खत्म होने के बाद में दूसरी पट्टी लेते हैं। वो सुई धागे की सहायता से सिलाई करके अटैच कर देते हैं। अब लास्ट वाले फंदे में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे गोलाई बनाने के लिए।
इस प्रकार से गोलाई बन जाती है। अब आगे एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में एक फंदा निकालते हुए दो तीन राउंड लगा लेते हैं। इस प्रकार से दो राउंड लगा चुके हैं। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है, पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब डोरमेट में गोलाई में यहां से यहां तक एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। गोलाई में दोनों तरफ इधर भी गोलाई में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। यह गोलाई में फंदों का आकार बढ़ जाता है। जब गोलाई में फंदों का आकार बढ़ जाता है वहां पर एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में दो फंदा निकालते हुए पूरा राउंड लगा लेते हैं। इस प्रकार से हमारा राउंड पूरा हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक एक फंदे में दो फंदा निकाल चुके हैं। इधर भी यहाँ से यहाँ तक एक फंदे में दो फंदा निकाल चुके हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। अब आगे एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। दो तीन राउंड लगाने के बाद में जब यहाँ पर फंदों का आकार बढ़ जाएगा तो उस राउंड में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। दोनों तरफ इधर गोलाई में दोनों तरफ यहाँ से इधर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इस गोलाई में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट आप बना सकते हो, बनाना चाहते हो उतना बड़ा डोरमेट आप बना सकते हो। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक ही कलर की पट्टी से डोरमेट की उठाई करते हैं। एक सपोर्ट में रखेंगे और एक पट्टी द्वारा डोरमेट की उठाई करेंगे। इस प्रकार हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है।